गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी आसान टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडक्टर, यानी रेखीय तथा अरेखीय चालक। तो लीनियर कंडक्टर को क्या कहेंगे? रेखीय चालक। और नॉन लीनियर कंडक्टर को क्या कहेंगे? अरेखीय चालक। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले हम समझते हैं लीनियर कंडक्टर क्या है। लीनियर कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर भी कहा जाता है। लीनियर कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर यानी ओमीय चालक भी कहा जाता है। तो लीनियर कंडक्टर यानी रेखीय चालक, ओमिक कंडक्टर यानी ओमीय चालक। द कंडक्टर विच ऑबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड लीनियर कंडक्टर। वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक या लीनियर कंडक्टर कहते हैं। वैसा कंडक्टर यानी वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम लीनियर कंडक्टर भी कहते हैं या ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। हिंदी में इसे रेखीय चालक या ओमीय चालक कहते हैं। अब पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या था कि अगर कोई कंडक्टर हो, अगर किसी कंडक्टर के दोनों सिरे पर आरोपित विभवांतर भी वोल्ट हो, अगर किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज भी वोल्ट हो और उससे फ्लो होने वाला करंट आई हो, तो भी प्रोपोर्शनल आई होता है। इसी समानुपाती को हटा के हमने कांस्टेंट दिया था आर, तो भी बराबर आई आर, इसको ओम का नियम कहते हैं। तो वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता हो उसे हम लीनियर कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इसका मतलब फॉर लीनियर कंडक्टर, जो लीनियर कंडक्टर होगा उसके लिए भी समानुपाती आई होगा। चूंकि लीनियर कंडक्टर ओम के नियम का पालन करता है इसीलिए इस तरह के कंडक्टर के लिए जो वोल्टेज भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी जो भी वोल्टेज हम लीनियर कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे वो उससे फ्लो होने वाले करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड क्या होगा कि लीनियर कंडक्टर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। लीनियर कंडक्टर जो होता है, रेखीय चालक जो होता है, उसका प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। और तीसरा पॉइंट है कि लीनियर कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस पर हमने करंट लिया, वाई एक्सिस पर वोल्टेज लिया, तो वी आई ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब जो लीनियर कंडक्टर होगा, चूंकि लीनियर कंडक्टर ओम के नियम को फॉलो करता है, चूंकि लीनियर कंडक्टर के लिए भी प्रोपोर्शनल आई होता है, इसलिए वी आई ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और लीनियर कंडक्टर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी टेन थीटा, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ मीन्स टेन थीटा विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। चूंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? रेसिस्टेंस के बराबर, जो कि कांस्टेंट होगा। तो ये था हमारा लीनियर कंडक्टर। अब ठीक इसका उल्टा होता है नॉन लीनियर कंडक्टर। नॉन लीनियर कंडक्टर सेकंड क्या है? नॉन लीनियर कंडक्टर। इसको नॉन ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर हिंदी में क्या कहेंगे? नॉन लीनियर कंडक्टर को कहेंगे अरेखीय चालक। नॉन ओमिक कंडक्टर को क्या कहेंगे? अनोमीय चालक। यानी जो चालक है, चालक दो प्रकार का होता है। एक हो गया रेखीय चालक जिसको ओमीय चालक भी कहते हैं, और दूसरा होता है अरेखीय चालक जिसको अनोमीय चालक भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट इज लीनियर कंडक्टर
which is also called ohmic conductor, and the second one is non-linear conductor, which is also called non-ohmic conductor. Okay? तो अब देखिए, जो नॉन लीनियर कंडक्टर है, नॉन लीनियर कंडक्टर किसे कहेंगे? वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, उसे नॉन लीनियर कंडक्टर कहेंगे. क्योंकि लीनियर कंडक्टर वैसा होता है जो ओम के नियम को फॉलो करता है. नॉन लीनियर कंडक्टर क्या होता है? द कंडक्टर विच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन लीनियर कंडक्टर. वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम अनोमीय चालक या ओरेख्य चालक कहते हैं. तो नॉन लीनियर कंडक्टर के लिए भी प्रोपोर्शनल आई नहीं होगा. चूंकि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. दूसरा बात, नॉन लीनियर कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है. कैसा रेसिस्टेंस होता है? वेरिएबल. यानी जो VI ग्राफ होगा, VI ग्राफ का जो स्लोप होगा, ढाल, स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं? ढाल. और देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि भी समानुपाती है आई के. लेकिन यहाँ पर जो VI ग्राफ होगा, ये VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये VI ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा. वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है. इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, हर बिंदु पर अलग अलग स्लोप होगा. आप देख सकते हैं, हम टेंजेंट लाइन जो खींच रहे हैं, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस मीन्स स्लोप, और स्लोप यहां पर क्या है? वेरिएबल. तो बड़ा आसान सा है, लीनियर कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करे, यानी जिसके लिए भी प्रोपोर्शनल आई हो, जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो, जिसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो. नॉन लीनियर कंडक्टर वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन ना करता हो, जिसके लिए भी प्रोपोर्शनल आई नहीं हो, जिसका रेसिस्टेंस वेरिएबल हो, जिसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि कर्व हो. या VI ग्राफ कैसा है? कर्व. और जब कर्व होगा तो इसका जो स्लोप होगा अलग अलग पॉइंट पर वेरी करेगा. स्लोप वेरी करेगा मीन्स रेसिस्टेंस वेरिएबल होगा. तो ये था हमारा लीनियर कंडक्टर, ये था नॉन लीनियर कंडक्टर. अब एग्जाम्पल देखते हैं. लीनियर कंडक्टर का एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स. जितनी भी धातुएं हैं, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, ये सब जितने भी हैं मेटल, ये सारे के सारे मेटल क्या हैं? लीनियर कंडक्टर हैं. ये सारे के सारे मेटल का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है. सारे मेटल के लिए भी प्रोपोर्शनल आई होता है, ठीक है. लेकिन नॉन लीनियर कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है. इसका एग्जाम्पल देखिए, डायोड, ट्रायोड एसेट्रा. ये डायोड जो होता है और ट्रायोड जो होता है, इससे भी करंट फ्लो होता है. जब किसी डायोड को वोल्टेज से जोड़िएगा तो करंट फ्लो होगा, लेकिन वहां पर वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता है. वहां पर जो रेसिस्टेंस होता है वेरिएबल होता है. तो किसी डायोड का प्रतिरोध, किसी डायोड का या किसी ट्रायोड का जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है. उसके लिए भी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता है. तो इसका एग्जाम्पल हो गया डायोड, ट्रायोड. हम डायोड के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में. जो हमारा लास्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, इस चैप्टर में आपको हम डायोड के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे. फिलहाल आप ये समझें कि डायोड और ट्रायोड किसका एग्जांपल है? नॉन लीनियर कंडक्टर का. तो चलिए, ये टॉपिक समाप्त हुआ. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में ड्रिफ्ट वेग या अपवाह वेग कहते हैं. मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, और कोई भी जो कंडक्टर होता है वह एटम से मिलकर बनता है,
तो ये जो एटम है, एटम के सबसे भीतर न्यूक्लियस होता है जिसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूक्लियस को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और न्यूक्लियस भारी होता है इसीलिए यह गति नहीं कर सकता है, ये न्यूक्लियस अपने ही जगह पर स्थिर रहता है। ये जो प्लस साइन देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, जो कि एटम के भीतर स्थित होता है, और ये बिल्कुल रेस्ट में होता है यानी फिक्स्ड होता है, यह अपने जगह पर इधर उधर गति नहीं कर सकता है, ये बहुत भारी होता है। और ये सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, बहुत। ये जो डॉट मैंने दिखाया है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी चालक के अंदर मुक्त काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत अरबों खरबों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है, कोई उधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है, सबका जो मूवमेंट है रेंडम है, यादृच्छा गति है। इस गति के कारण क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में विस्थापित होते हैं, गति करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। देख रहे हैं, ये जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मोशन है, गति है, वो कैसा गति है, रेंडम है, रेंडम मोशन, यानी ये रेंडमली मूव करते हैं। ये कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, रेंडमली यादृच्छा गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेंगे तो ये चलते चलते क्या होगा, न्यूक्लियस को टक्कर मारेगा, फिर वहां से टकराने के बाद रिटर्न होगा, तो कुछ इस तरीके का इनका मूवमेंट होता है। मान लो ये सारे न्यूक्लियस हैं, ये सारे न्यूक्लियस हैं जो कंडक्टर के अंदर हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से, मान लो यू वन वेलोसिटी से आया, इसमें टकराया, टकराने के बाद ये फिर इधर गया, फिर यहां से टकराएगा तो इधर आएगा, फिर यहां से टकराएगा तो इधर आएगा, फिर यहां से टकराएगा इधर जाएगा, फिर यहां से टकराने के बाद इधर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रेंडम मोशन होता है, यादृच्छा गति होता है, और इसका जो रास्ता होता है ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है रेंडम होता है, इस वजह से इसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है, इसका जो गति पथ है, पाथ ऑफ द मोशन है, वो क्या है, जिगजैग है। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। इनसाइड द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली, ड्यू टू रेंडम मोशन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स जिगजैग। ये इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं, जब ये चलते हैं तो ये नाभिक से टकराते हुए चलते हैं। ये जो नाभिक आप देख रहे हैं, प्लस साइन से डिनोट किया है मैंने न्यूक्लियस को, इस नाभिक को ये टक्कर मारते हुए चलते हैं। तो जब ये नाभिक से टकराते हैं तो दो क्रमागत यानी दो लगातार टक्कर, दो लगातार टक्कर के बीच जो समय लगता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कौन सा टाइम कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में कहते हैं विश्रांति काल। दो लगातार टक्कर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे टक्कर मार रहा है, यहां से टकराने के बाद फिर यहां पे आ गया टकराने, तो ये टक्कर और ये टक्कर, ये पहला टक्कर है फर्स्ट,
और ये सेकेंड टक्कर है। टक्कर को इंग्लिश में कॉलिजन कहते हैं। टक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलिजन। तो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है न्यूक्लियस से, तो दो कॉलिजन के बीच, ये फर्स्ट कॉलिजन यहाँ पर हुआ, सेकेंड कॉलिजन यहाँ पर, थर्ड कॉलिजन यहाँ पर, फोर्थ कॉलिजन यहाँ पर, तो दो लगातार टक्कर के बीच जो टाइम लगता है, दो लगातार टक्कर यानी कॉलिजन के बीच जो समय लगता है, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? टाउ। यानी व्हाट इज टाउ? टाउ क्या है? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो लगातार टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जो समय लगता है, उस समय को हम विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सपोज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज n। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। और मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u3 है, और nth nवें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी un है। ठीक है, अगर सारे वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए, पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथे का u4, इस तरीके से nवे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी un है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर हमने एरो डाला है। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन का अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो सारे वेलोसिटी को वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, और बाय क्या करेंगे? n। आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चूंकि हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे कैसे हमने लिया है? u1, u2, u3, u4, un। तो सारे वेलोसिटी को ऐड करके जब आप n से डिवाइड करेंगे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। एवरेज, इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। कौन सा वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी यानी ऊष्मीय वेग। किसी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से गति करता है, उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी यानी ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो यह जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, इसका वैल्यू कितना होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाई n, जिसका वैल्यू जीरो आएगा। जरा सोचिए यह जीरो क्यों हुआ? तो वेक्टर स्केलर के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है, अगर कोई वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर इधर हो, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल अपोजिट हो, तो इसका सम क्या होगा? जीरो। अब मान लो चार वेक्टर है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका वेक्टर सम कितना होगा? जीरो। इसी प्रकार छह वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इक्वल अपोजिट है, तो सम जीरो होगा। ये इक्वल अपोजिट है, सम जीरो होगा। ये इक्वल अपोजिट है, सम जीरो होगा। इसी प्रकार आठ वेक्टर हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। यहां पर देख सकते हैं ये जितना भी वेलोसिटी है, यू वन इस डायरेक्शन में है, u2 इस डायरेक्शन में है, u3 इस डायरेक्शन में है, u4 इस डायरेक्शन में है, यानी रेंडम है। तो इस सारे का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो आएगा। यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, उनका पाथ जिगजैग होता है, दो लगातार, और वो न्यूक्लियस से लगातार टकराते हुए चलते हैं। दो लगातार टक्कर के बीच जो समय लगता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। अब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो कुछ निश्चित समय के बाद वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। आप देखिए, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, लेकिन ये टकराते टकराते वापस उसी जगह पर आता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करेगा, तो वो एक निश्चित समय के बाद उसी जगह पर पुनः आएगा, यानी उसका विस्थापन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसलिए उसका औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। क्लियर है? अब चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
जब हम कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ये कंडक्टर है, इसको मान लीजिए हमने वी वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ा, कंडक्टर के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस अपने जगह पर फिक्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस काफी भारी होते हैं जिस वजह से ये गति नहीं कर सकता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेंडमली मूव करते हैं, लेकिन इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? जीरो। इतना तो क्लियर है। लेकिन जब कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर के अंदर बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ये तो आप रूल पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कि कोई भी आवेशित कण, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के दिशा में होगा, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू फील्ड। तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एफ इक्वल टू ई इंटू ई। हमने यहां पर माइनस साइन का यूज नहीं किया, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, सो द फोर्स ऑन इच फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इक्वल टू ई इंटू ई। यही फोर्स सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। इस फोर्स के चलते क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, यानी इसका स्पीड बढ़ेगा, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। आप जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है तो ए बराबर एफ बाय एम होगा। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास एम है, एम किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास एम है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स अब बाय मास होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर ई इंटू ई फोर्स लग रहा है, और उसका मास है एम। ये एक्सेलरेशन निकल गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो वो क्या होगा? न्यूक्लियस से टकराएगा। न्यूक्लियस से टकरा कर क्या होगा? उसका स्पीड घटेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर टकराएगा। इस तरह तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बार बार गति पकड़ता है, उसके बाद वो रिटार्ड होता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं होती है, इलेक्ट्रॉन का लगातार स्पीड बढ़ना और नाभिक से टकराने के कारण उसका स्पीड घटना। तो ये बार बार ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है, फिर जैसे वो नाभिक को टकराता है उसका स्पीड घट जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चलता है, यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन गति करता है वो असमान वेग से गति करता है। लेकिन अगर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक साथ आप देखें तो ऐसा मालूम होता है कि ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन एक समान गति से चलता है। ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है? एक समान गति से, ऐसा आपको लगेगा। अगर इस सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ सोचें, मान लीजिए इसके अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। स्पीड इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, फोर्स के चलते एक्सेलरेट होता है, और घटता इसलिए है क्योंकि वो न्यूक्लियस से टकरा जाता है, जिसके वजह से स्पीड घटता है, फिर बढ़ जाता है क्योंकि फोर्स लगातार लग रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है असमान गति से चलता है, लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ देखें, इस करोड़ों इलेक्ट्रॉन को एक साथ सोचें, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको एक समान वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म तरीके से चलते हैं, ऐसा माना गया कि सारे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के अंदर फील्ड बनता है। उस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन एक समान गति से चलना प्रारंभ करता है। इसी एक समान गति को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? VD। VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EE/mτ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EE/mτ। ये EE/m किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन को। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसका हम प्रूफ अभी बताने वाले हैं, 2 मिनट आप वेट करिए, इसका हम प्रूफ बताएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि जब भी हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो कंडक्टर के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। उस एक समान फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और सारे इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से चलते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है? VD। इसका वेलोसिटी कितना है? VD। इसका वेलोसिटी कितना है? VD। इसका वेलोसिटी कितना है? VD। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स गति करना प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यूनिफॉर्मली चलते हैं, एकदम एक समान वेग से ये चलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जब कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से चलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसको, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये एक समान वेग है, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। यानी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका एक समान वेग जो होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, जब कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यानी जब कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं तभी तो फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक समान वेग से गति करना प्रारंभ करते हैं। उसी एक समान वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है EE/mτ। अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे निकाला गया है, इस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है। तो देखिए, यह आपका न्यूक्लियस है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सोचते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो टकराने के साथ इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक को टकराता है तो उसका वेलोसिटी कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है? 0। इसके बाद टकराने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे फिर ये अगला टकराएगा तो टकराने के साथ इसका वेलोसिटी फिर 0 होगा। और दो लगातार टक्कर, जैसे यहां पर पहला टक्कर हुआ फर्स्ट कॉलिजन, यहां पर दूसरा बार टकराया सेकेंड कॉलिजन, तो दो लगातार टक्कर के बीच जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाओ। ये पता है। तो अब इसी चीज को समझना है कि इलेक्ट्रॉन जब यहां पर टकरा रहा है पहली बार, तो जैसे ही टकराएगा तो वो रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो गया।
लेकिन उसके बाद ये क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स, फोर्स के चलते एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होता है, ई बाई एम। अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर हो जाएगा एफ बाई एम, एक्सेलरेशन हो जाएगा ई बाई एम, जहां ए क्या है, प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, एम है प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन का मास यानी मास ऑफ इच फ्री इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो छोटा वाला ई है वो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक्सेलरेशन आप जानते हैं डी वी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी बराबर हो जाएगा ई ई बाई एम, यहां से लिख सकते हैं डी वी बराबर ई ई बाई एम डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो यहां पर देखिए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी शुरू में कितना है, जीरो, और जैसे ये टकराएगा तो ये रुकेगा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब फिर इसका स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा, इसी मैक्सिमम स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आरंभिक वेग जीरो है और अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग सबसे अधिक है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस दोनों के बीच जो समय लगा है उस समय को हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो लगातार टकराते हुए चलता है, न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो जितने देर तक फ्री रहता है, ये आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल फ्रीली चला, लेकिन फिर ये टकरा गया, फिर यहां से यहां तक ये फ्रीली चला, फिर टकरा गया, तो जितने टाइम तक वो फ्री होके चलता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उतने टाइम के लिए वो बिल्कुल रिलैक्स होकर चलता है। तो यहां पर आरंभिक वेग जीरो है और अंतिम वेग कितना है, वी डी, आरंभिक समय जीरो है और यहां से यहां तक कितना समय लगा, टाउ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन वी होगा, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, उसी तरह डी वी का वी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, अब लिमिट डालिए जीरो से वी डी बराबर, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट है, ना तो ई चेंज होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी होगा, और कहां से कहां तक होगा, जीरो से टाउ। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, भी के जगह पहले ऊपर वाला वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भी टी, फिर माइनस, फिर भी के जगह नीचे वाला वैल्यू डालेंगे जीरो, इज इक्वल टू ई ई बाई एम, ये जो टाइम है इसके जगह ऊपर वाला वैल्यू डालेंगे टाउ माइनस, फिर नीचे वाला वैल्यू डालेंगे जीरो। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो भी टी बराबर मिल गया ई ई बाई एम टाउ, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई बाई एम टाउ, ये काफ़ी इजी है। एक्सेलरेशन को मैंने लिखा डी वी बाई डी टी, यहाँ से डी वी बराबर ये लिखा, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी डी, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टाउ, इंटीग्रेट करके सॉल्व करिएगा तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ई ई बाई एम टाउ। इस फॉर्मूला को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है, फाइनल वेलोसिटी v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at। ये जो इक्वेशन है ये क्लास 11 में इसका काफ़ी यूज़ होता है, जो बच्चे क्लास 11 पढ़े होंगे उनको पता होगा ये v बराबर u प्लस at होता है। अगर किसी वस्तु का आरंभिक वेग u हो और वह t समय तक के लिए ए त्वरण से एक्सेलरेट हो तो उसका अंतिम वेग होगा यानी फाइनल वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर देखेंगे
कि फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, ई बाई एम, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, टाओ। तो आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, वी डी बराबर ई बाई एम टाओ। एकदम आसान है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला काफ़ी आसान है। वी बराबर यू प्लस ए टी, आरंभिक वेग जीरो है तो वी बराबर ए टी हो गया। तो भी जो फाइनल वेलोसिटी है वही तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए हो गया ई बाई एम और टाइम के जगह टाओ। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी चालक के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से चलते हैं। इसी एक समान वेग को हम ड्रिफ्ट वेग के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल होता है वी डी और इसका फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू ई बाई एम टाउ। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सारे बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, फिर क्लास खुलेगा। ऑफलाइन क्लास में टेस्ट भी होगा, ऐसे ऐप पर भी आपका टेस्ट होगा। तो आप लोग जितना अच्छे से मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, और जो भी आपका पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक होता है वो आप कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुँचाते रहिए। हम हर क्लास में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।